गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राधे अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक शॉर्ट टर्म स्टॉक लेके आया हूं जिसका नाम है DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत कुछ टाइम पहले से बहुत अच्छा ये अपना रिस्पॉन्स दे रहा था, लेकिन जब इसमें एक गिरावट आई जो कि लगभग 40 से 50% की एक ही दिन में गिरावट हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 600 रुपये से गिर कर सीधा 300 रुपये पर आ गया था। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। ठीक है, वो रिकवरी कैसे हो रही है आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब इसका पूरा करेक्शन ख़त्म हुआ था यहाँ से, देखिए यहाँ पे जब ये करेक्शन आई थी यहाँ से, तो सीधा ये आके यहाँ पे रुका था। ठीक है, लगभग 183 के आसपास, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया और ये 224 के लगभग, हाँ 244 के लगभग गया था, हाई उसने बनाया था, फिर वहाँ से नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा एक बार और इसने मूवमेंट की 244 के आसपास, तो वहाँ से भी नहीं संभला ये और ये नीचे चला आया। इसका ये रेजिस्टेंस हो गया अच्छा खासा जो 250 के आसपास था, 244 के आसपास था। ठीक है, अब ये 244 के बीच में से फिर यहाँ से रेजिस्टेंस अपने वहाँ से फिर सडनली डाउन हुआ और इसका इसने अपना लो बनाया था 102 रुपये का। देखिए यहाँ पर 102 रुपये का, 96 रुपये का इसने लो बनाया था। ठीक है, फरवरी महीने में 4 फरवरी 2019 को इसने अपना लो बनाया था 96 रुपये का। फिर यहाँ से देखिए थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे इसने 131 रुपये का हाई बनाया, फिर उसने इसके बाद 142 का हाई बनाया, फिर वापस यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरा जो इसने लो बनाया 126 का, फिर यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर हुआ 162 का, अब की बार इसने हाई बनाया 162 का। ठीक है, फिर वहाँ से जो लो बनाया इसने यहाँ पे बनाया था यहाँ पे, तो अब की बार इसका लो था 127। देखिए यहाँ पे इसका जो लो था 96, फिर इसने अपना दूसरा लो बनाया था 103, उसके बाद इसने अपना तीसरा लो बनाया था 126 और इसने अपना चौथा लो बनाया था 127। मतलब हायर हाई और हायर लो के पैटर्न पे ये अभी चलना स्टार्ट हो गया। देखिए इसने अपना पहला हाई बनाया था यहाँ पे 131, दूसरा हाई बनाया था 143, फिर इसने तीसरा बनाया था 162 और आज इसने बनाया अपना चौथा हाई 165। तो ये हायर हाई एंड हायर लो के पैटर्न पे ये चल रहा है। तो आगे देखते हैं कि हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ पर बनती है और हमारा एग्जिट पॉइंट कहाँ पर बनता है, टारगेट क्या होता है। ठीक है, तो इस ये वाले शॉर्ट टर्म स्टॉक में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि रिटर्न कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। 20% का रिटर्न अगर आपको मिलेगा तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा उसके लिए, 1-2 महीने का। तो आपको 20% की रिटर्न इजीली देखने को मिल सकते हैं DHFL में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट पहला होगा लगभग यहाँ पे 200 के आसपास। देखिए इसका यहाँ जो रेजिस्टेंस था 200 का था, 193 के आसपास था, तो यहाँ पे आप इसको एंट्री ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो पहला इसका रेजिस्टेंस था 176, यहाँ से 10 रुपये, तो आप यहाँ पे मान के चलिए अपना 10% का टारगेट लगाइए, तो इसमें 15 रुपये ऐड कर दीजिए, 180 का इसमें आप टारगेट रख के आराम से 10% का रिटर्न लेके निकल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा टारगेट होगा हमारा 10% का, दूसरा टारगेट हमारा होगा 20% का, जो कि लगभग 194-195 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट है। ठीक है, तो पहले हम 180 पे हम इसको एग्जिट कर देंगे अगर आपको 10% का रिटर्न मिल गया है तो। ठीक है, तो देखिए 1 वीक पे इसने 8% का रिटर्न दिया है और 2 वीक पे देखते हैं इसके रिटर्न। देखिए 22% शानदार रिटर्न दिया है 22% का 2 वीक के अंदर, और 1 मंथ में इसने रिटर्न दिया है 22% का, और 3 मंथ में देखिए -28% का रिटर्न दिया है, और 6 मंथ के अंदर इसने -40% का रिटर्न दिया है, माइनस में दिया है 40% का रिटर्न। ठीक है, क्योंकि ये बहुत गिर चुका था, अब इसकी प्रोबेबिलिटी है कि अब ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और ईयर टिल डेट मीन्स 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक के रिटर्न इससे -34% है, और 1 ईयर का रिटर्न -69% का रिटर्न दिया है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है ये। अब इसमें आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है कि अब इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और 3 ईयर्स के देखिए रिटर्न -13% का है, और 5 ईयर्स के रिटर्न इसके 46% का है, और 10 ईयर्स का इसका रिटर्न 470% का है, जो काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है। 10 साल में आपके पैसे को 5 गुना लगभग कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं दोस्तों अपने चैनल पे कुछ शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स लाता रहता हूँ, और अगर आप लोग को इसमें पोजीशन बनानी है थोड़ा बहुत पोजीशन बना सकते हैं,
अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी कुछ थोड़ा बहुत पैसे अर्न कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए, और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।